हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इन व्लॉगों के ऊपर मैं आपका अपना गौरव हूँ। तो शुरू करते हैं आज के एक नए व्लॉग को। और अभी 8 बजे है, जो हमारा मील है वो रिसल बजा दिया है, क्योंकि जो काम बजाने वाले बंदे हैं वो काम चले जाते हैं 8 बजे, इसलिए। और मैं रेडी होने लग रहा हूँ, बस सर्दियों के तो कपड़े निकल गए, मैंने ये हुडी सी निकाल दी और अपना चलते हैं। मम्मी ने तो अपना खाना बना ही दिया है। मम्मी मेरा पूरा सेहत बना रही भाई, ये काजू काजू दे आपको। सर्दी है ना, सर्दी में तो जरूरी है। सही है। और वर्षा तो अभी सोए रही है। हेलो वर्षा, हेलो, क्या बात, खड़ी हो जा। पापा न्यूज़ देख रहे। तो चलिए अभी रेडी हो लेता हूँ। क्या बनाया मम्मी आपने? हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। ये देखे रूही को, वर्षा को कितनी दुखी कर रही है, झाड़ू भी नहीं लगाने दे रही। अब वर्षा ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कमजोरी जरूर है। क्या है? ये देखे, ए हट जा, झाड़ू लगा लो, माफ कर दूंगा। रूही का दोस्त अभी जाने के लिए तैयार बैठे हैं ड्यूटी पे। कितनी देर बाद जाओगे? मैं नहा के आ लूंगी। इतने मैं 10 बजे निकलूंगा आज। ठीक है, मैं नहा के आ लूंगी। पापा जी, आपका सीरियल स्टार्ट हो गया। बैठे आराम से। मम्मी जाने के लिए रेडी हो गई यार, कैसे खड़ी है। पापा जी के इंतजार में, पापा जी भी ड्यूटी जाएंगे ना। कोई नहीं, मैं तो भेज दिया, टिफिन दे दियो ना। हाँ चलो चलिए जाओ, मैं मंदिर जाकर जल्दी आऊँ। आज तो मैं वैसे भी लेट हो गई। आज है गोपाष्टमी, आप सबको गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं भी मंदिर में आप सबके लिए दुआ करूंगी, अपने लिए तो करूंगी। नहा लेती हूँ, अब काम तो फिनिश हो चुका है। पापा जी भी ड्यूटी जाने लग रहे हैं। इस पर ना टेप लगी हुई थी, तो पापा जी टेप उतारने लग रहे हैं। इन दोनों को देखो कैसे देख रहे गौर से, ये पता नहीं क्या कर रहे। मॉर्निंग। अच्छा, बाबा जी काम कर रहे। आज गोपाष्टमी है तो मम्मी कान्हा जी को पहना रही है नई ड्रेस। ये फिर हमने भेजी थी ना, मैंने नहा दी अब। ये देख कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी। अच्छी लग रही है ना, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा, येलो और ब्लू का। अरे की भेजी, ये गंगा स्नान वाले दिन पहना देना। हाँ उस दिन पहना दियो, कर दो। बड़ी है ये शायद, मुझे बड़ी लग रही। चलो पहना के देख लेंगे, बड़ी लग रही मुझे भी, मुझे बड़ी लग रही है। फिर रेडी हो चुकी हूँ, हम भी जाएंगे कहीं घूमने के लिए। मामा जी के यहाँ पे जाएंगे और मम्मी की मौसी जी है वहाँ पे जाएंगे, तो मैं तो रेडी हो गई। मम्मी अभी गोपाल जी को रेडी कर रही है, उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए बुलाते रहते हैं, फिर मुझे समय नहीं मिल रहा था, त्योहारों में भी नहीं जा पाई मैं, तो इस वजह से चलो मैं आज वर्षा आज घूम के आते हैं। बच्चों को पहनाने पड़े ना इस तरह। हाँ, धीरे धीरे। नहीं वो मम्मी को बिना चश्मे के कम चमके, सच में मुझे बहुत कम दिखाई देने लगा अब। मतलब जब मैंने आँखें टेस्ट की थी, वो ये कहते चश्मा आप लगाते हर समय लगाते रहो, पर मेरे से लगा नहीं जाता पूरे दिन। जब कुछ मशीन का काम करते हो जी, अच्छे लग रहे, ढक गए बिल्कुल। कितनी प्यारी ड्रेस है, बड़े सोने लगे काना जी, बड़े प्यारे लगे। चलो आप कर लो पूजा। किसने सजा? मैं भी मम्मी के लिए चाय बनाने लग रही हूँ, क्योंकि नाश्ता कर लेंगे पूजा करने के बाद, मैं भी नाश्ता कर लूँगी। मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, तो मम्मी अभी ऊपर का दरवाजा बंद करने के लिए जा रही है। मम्मी और मैं जाएंगे घूमने के लिए, तो फिर अब बस निकल रहे हैं, आपसे आने के बाद मिलेंगे। फिलहाल हम घूमी घूमी करके आते हैं। लो चाबी ले लो, पैसे तो ले लो, ये वो रुके पैसे तो ले लो, चलो ले लो जो लेना। तो हम आ चुके हैं घूम कर और हालत हो गई मेरी बहुत ख़राब, मेरे सिर में दर्द हो गया, क्योंकि हम पहले तो वहाँ पर गए थे जिनसे मिलना था, उसके बाद मार्केट में आए, मार्केट से अब घर पर आए हैं। 4 बजने वाले और हम गए थे 11 बजे, 11 बजे से 4 बज गए, और हमें ना घर खुला हुआ मिला। और वो घर क्यों खुला हुआ था? इस बंदे के कारण, ये घर में बैठा घुसकर। पापा जी आए थे, पापा जी आए थे। अच्छा पापा जी आए थे, और हम कुछ सामान लेके आए मार्केट से, वो बाद में दिखाएंगे। मम्मी भी थक गई, मम्मी का फास्ट है आज, खाने के लिए कुछ बनाते हो? अपनी चाय नहीं, रहने दो, रहने दो। क्यों? भैया के लिए लेके आए हम कुछ, थोड़ी देर में दिखा देंगे, फिलहाल तो थक रहे। तो मम्मी ने मुझे रोटी बना के दे दिया, मैं लेट गई थी, मेरे हाथों में और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सिर में। तो मम्मी ने जल्दी में क्या बनाया मेरे लिए, रोटी और हरी मिर्च की चटनी।
इतना टेस्ट आ रहा है ना, मजा आ गया। और पानी भी साथ में, गली में पॉपकॉर्न वाला आ रहा है। मैं खाना छोड़ गया, पहले पॉपकॉर्न ले रही हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो मैं पॉपकॉर्न लेने जा रही हूँ, मम्मी बोल रही है अभी खड़ा है वो, तो मैं लेके आती हूँ पॉपकॉर्न। मैंने पॉपकॉर्न ले लिया है, मम्मी भोग लगाई, मम्मी लगा दियो भोग, क्योंकि मेरा हाथ झूठे है ना, मैं खाना खा रही थी, इसलिए गोपाल जी को मम्मी लगा देगी भोग। अच्छे लगते हैं पॉपकॉर्न। भगवान जी खा लो पॉपकॉर्न। गोपाष्टमी है, अभी तैयारी करेंगे गोपाष्टमी की भी, तो जो गाय को है वो मम्मी करेगी पूजा जो भी होती है, तो फिलहाल आराम करने के बाद ही होएगा वो। मैं आराम कहाँ कर रहा था, मैं उठकर फिर ऐसे ही काम में लग गई। मम्मी ने पॉपकॉर्न वहीं रख दिया मुझे। मम्मी दिखाएगी अब क्या क्या लेके आई है। सोफी करनी ही पड़ती है, ऑर्डर आया मुझे कान्हा जी के कपड़े बनाने हैं। भाभी है, भाभी ने फोन करके कहा है कि मेरे कान्हा जी के कपड़े भेज दो बना के। मैं कहा ठीक है बना दूंगी। और लाई हूँ सिंगाड़े, गोपाष्टमी मनाएंगे भाई। पापा जी हाड़ा लेकर आए और फिर साथ के साथ जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि वो लेके आएंगे मछलियों का दाना। तो मम्मी देखते हैं कहाँ के लाती है। नहीं वो ले गई मम्मी, माला भी बन गई है। गरम है, कभी आटा गरम नहीं डालना चाहिए इसमें। अच्छा गरम है क्या, तो इसे खोल के रख दो। खोल के छोड़ दूंगी मैं सुबह कर दूंगी। हाँ खोल के रख दो इसे। अरे और माला बना दिया मैंने गाय के लिए, गाय माता। और थोड़ी सी रह गई है, दो तीन फूल इनको भी डाल देती हूँ। रूही कौन आया, रूही? अरे ये तो रूही के बाबा जी है, बी बाबा, इसी वजह से कह रही थी। सुनी बी बाबा। हाँ दाना लाया मछली का। हाँ सही है, उनका खत्म हो रहा था, सुबह तो डाला था शायद। हाँ थोड़ा सा डाल दियो। इनका दाना खत्म हो गया था कि भाई खुद दाना लेने गए थे, वर्षा के पापा दाना लेने गए थे और अभी दाना लेकर आए हैं, और वो तो जा लिया है रूही। तो रूही आ जाओ, आ जाओ। देखे रूही का चल गया है कीर्तन, ढोलक बजाने सीख रही है रूही। तो बस सीख ली क्या तेने ढोलक बजाने? कीर्तन कर रही है रूही के लिए। हाँ भैया गोपाष्टमी में जा रही हूँ गाय का पूजन करने। मैंने हलवा पूरी बनाया है, ये फूलों की माला है, और गाय का भाई कान्हा जी तो कहना गाय को बहुत मानते थे, और लड्डू गोपाल के उससे कृपा से मैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और गाय माता का भी आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। मैं गाय माता का पूजन करके आ गई हूँ, अब सबको खाना खिलाऊंगी। सो हे गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ घर, और अभी बजे है 10 बजे ना, 5 मिनट बाकी है, और अभी आया हूँ मैं घर। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं सब। मम्मी तो खाना बनाए, देरी होगी मुझे, सुबह भी जाऊँ जब खाना और शाम को जब खाना। मम्मी का तो काम खाने पे है, मेरी ड्यूटी आई है जरूरी अभी। कमरा खा लूँ, वही टाइम आएगा मेरी ड्यूटी वो भी खत्म होगी। अच्छा जी, वाह क्या प्रवचन है मम्मी के। आलू टमाटर आज बहुत अच्छे बन गए, हमने सिंगाड़े भी ले रखे हैं मम्मी जी। सिंगाड़े लाए, वाह क्या बात है, सेहत बना रहे हैं।
सेहत बनवा रहे हैं। वर्षा तो ऐसे पड़ी रहा है आज भी बीमारी, इस कमरे को बिल्कुल ऐसे बना रखा है इसने, जब तक इस कमरे में रहेगी ना ऐसे बीमार रहेगी, सच बताओ। अभी उसी में मतलब ये जब तक यहाँ बेड इधर था ना, ये बेड इधर था ये, तब तक वर्षा बीमारी से ठीक नहीं हुई, और अब बेड बदलते ही वर्षा की तबीयत भी ठीक होगी, बीमार भी ठीक होगी। कुछ ना कुछ तो राज है, पता लगाओ दया। चलो भाई हम तो खाना खा ले भाई, खाने की तैयारी हो रही है, तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय।